नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। मोदी कैबिनेट का विस्तार 8 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इसमें 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो 4 नए मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावना है। सूत्रों के अनुसार मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जहां पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और शिवसेना के अनिल देसाई को शामिल किया जा सकता है, वहीं केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला समेत 2 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। केन्या में आतंकी हमला, 147 की मौत। केन्या में एक विश्वविद्यालय परिसर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया सुरक्षा कर्मियों का अभियान समाप्त हो गया है। सोमालिया के अल शबाब इस्लामी समूह द्वारा किए गए नरसंहार में कम से कम 147 लोग मारे गए। सुरक्षा कर्मियों ने सभी 4 आतंकवादी मार गिराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, केन्या में आतंकवादी हमला डरावना है। यह बेहद दुखी करने वाला है कि इस तरीके से एक विश्वविद्यालय परिसर पर हमला किया गया। यह बेहद निंदनीय है। तक हिंदू तीसरी सबसे बड़ी आबादी। हिंदू 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी होंगे, जबकि भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र होगा। एक नए अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है। पीयू शोध केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी पूरी दुनिया में 34% बढ़ेगी और यह 2050 तक करीब 1 अरब से 1.4 अरब तक होगी। इसमें कहा गया है कि भारत में हिंदुओं की बहुलता होगी, लेकिन इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी हो जाएगा।